मम्मी पापा जी बहुत ही नाराज दिख रहे हैं मुझे, बाहर खड़े हैं। मम्मी पापा जी ने कभी का कॉल कर दिया था, लेकिन अभी जा रहा हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो सुबह का सीन ऐसा है, तो अभी सुबह के 9 बजने को आ गए एंड हमने सोचा आज सुबह सुबह मस्त पिज्ज़ा खाते हैं, वो भी एकदम अलग ही वेराइटी पिज्ज़ा जो कि डेढ़ से आटे में बनता है यार। क्योंकि अंदर हमने थोड़ी बहुत जो भी कांदा और मिर्ची कोथमीरी वगैरह जो भी डालती है वो सबने डाल दिया एंड फिलहाल गैस पे चढ़ा भी दिया है, वहाँ पे दिख रहा होगा। एंड ऊपर से एक भारी भरकम चीज़ रख दिया है ताकि भी अंदर का प्रेशर अंदर ही रहे एंड आराम से फटाफट से पक जाए। डोसा वाला पिज्ज़ा बनाया एकदम, है ना दीदी, मज़ा आएगा खाने में। लेकिन हम तो खा ही नहीं सकते, फिर भी टेस्ट ज़रूर करेंगे एक छोटी सी पीस, है ना। अभी छोटा सा टेस्ट करूँगा आपकी मर्जी में, तो छोटा सा पीस टेस्ट करूँगा। और वो भी सब लोग पिज्ज़ा में चीज़ डालते हैं, हमने बटर वाला पिज्ज़ा बनाया, बटर भी नहीं घी वाला पिज्ज़ा बनाया। एक्चुअली घी वाला डोसा बनाया समझ सकते हैं, नहीं तो एक्चुअली उसका नेम है घी वाला उत्तप्पा, है ना, सही कहा ना, घी वाला उत्तप्पा। जो मैं आपको दिखाता हूँ एकदम असम से बनता है, हमने लास्ट टाइम भी बनाया था जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त था उसका टेस्ट, तो इसलिए हमने सोचा वापस एक बार बना लेते हैं। तो थोड़े टाइम में बन जाएगा, सो वेटिंग करते हैं, जैसे ही बनता है फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो पिज़्ज़ा तो रेडी हो चुका है, मस्त बटर वाला पिज़्ज़ा, तो अभी इसको पीसेस करते हैं। ओ भाई बहुत ही गट है यार। तो पिज़्ज़ा तो मस्त रेडी हो चुका है, सो अभी खाते हैं भाई, टेस्ट कैसे देखते हैं। ये लो मम्मी, सबको एक एक स्लाइस आएगा, लेकिन हमें तो एक छोटा वाला स्लाइस बस है, बाकी का मम्मी जी या पापा जी खा लेंगे। मस्त ग्रीन वाली चटनी से भी खाते हैं, जो कि मैंने कल ही बनाया था, ग्रीन चटनी मैंने ही बनाया था, बस टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा एकदम क्रंच लग रहा है। ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड मम्मी जी ने पता नहीं ऊपर से क्या निकाला है, जो कि सब्जी बनाएंगे कहते हैं, क्योंकि अभी होली गई है ना, तो होली का ठंड जो भी बनाते हैं और फिर भगवान को चढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए मम्मी जी ने कहा इसको धूप में चढ़ा दो। कहाँ पे रखो यार, यहाँ पे पिन है, यहाँ पे सारे सामान ही रखे, तो कहाँ पे रखो, इन पिन्स को हटाना पड़ेगा। चलो पहले हटाते हैं आराम से, चलो यहाँ पे कुछ जा, चलो सारे पिन्स को ये अंदर लगा, चिकन ये रख देंगे यहाँ पे। एक्चुअली दीदी को पूछते, दीदी इसको एक अलग ही नाम देती है इस सब्जी का, जो कि दीदी को पूछता हूँ एक बार क्या नाम रखी है दीदी इस सब्जी का। नाम क्या है, किसका खाना है वो? पसकुटा है, हाँ वो तो है, पूजा के लिए करते है वो खाना, लेकिन घास फूस जैसा दिखता है ना, इसलिए बोलते हैं बकरी का खाना है बोल के। देखो इसके अंदर बॉल जैसे ये इन पता नहीं ये क्या है, इसको तो गुंदा बोलते हैं मेरे को मालूम, इसका अचार भी बनाते हैं, इसका अचार मस्त रहता है। एंड यहाँ पे ये है, इसको क्या बोलते हैं यार, इसको कुछ बोलते हैं, अरे अने कोई बोले इसको क्या बोलते हैं, हाँ ग्वार फली बोलते हैं, हाँ वही फ्राई करते हैं तेल में, मालूम है मस्त रहता है उसका टेस्ट भी। तो कोई नहीं, थोड़े दिनों मम्मी जी बनाएंगे तो मस्त टेस्ट करेंगे, लेकिन यार थोड़ा ही खाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें सब्जियाँ ज़्यादा खानी है एंड बाहर की ऑयल की चीज़ जो भी रोटी वगैरह वो कम खाना है, तो मेंटेन रखना पड़ेगा थोड़े दिन, वन मंथ के लिए, सिर्फ वन मंथ के बाद वापस हम फ्री हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी सामान को जो भी नीचे लेके आया हूँ इन सामान को वापस से ऊपर लगाते हैं वहाँ पर। तो दीदी आप मुझे एक एक दे दो, मैं ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है? मम्मी को बोलना, मम्मी बैठी है। चलो कोई भी एक आके दे दो मेरे को, ताकि ऊपर लगाता हूँ। फिलहाल अभी ऊपर आ गए एंड पहले वो वाला डब्बा दे दो, ब्लू कलर का इसको रखते ऊपर। ओ भाई गिर जाएगा ये वाला, ओहो हो भाई ये बहुत यार गिर जाएगा। निशा खा रही है फिलहाल बकरी का खाना, तो निशा दीदी बन गई, निशा बन गई बकरी, नहीं वो भी बकरी का खाने में काउंटिंग आता है। चलो बाय बाय मम्मी। फिलहाल अभी दुकान पे चलते हैं बाबा जी के साथ,
क्योंकि आज संडे है तो क्या ही करेंगे यार घर पे, जो भी काम रहेगा वो भी आंटी भी करते रहेंगे, आंटी बस बैठे रहेंगे दुकान में ही चलते हैं यार, वहीं पे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं आज दुकान पे तो आ गए हैं। एंड आज हमें मिला है काउंटर की जिम्मेदारी, एंड पापा जी बताने क्या काम कर रहे हैं रे हो आज? सामान सही रख रहा हूँ, सामान जमा रहे हो? हाँ अभी ऑर्डर देना पड़ेगा ना पिंटा, चलो कोई नहीं भैया, अभी फिलहाल काम ही कर रहे हैं, अंदर जो भी सामान है बाहर लेके आ रहे हैं, जो भी गोडाउन में सामान पड़ा था, चलो कोई नहीं। एंड हम ही अभी संभालना पड़ेगा दुकान, जो यहाँ पे बैठ के संभालेंगे। ये हमारा स्टूल, ये हमारे खानदानी स्टूल है जो कि कितने सालों से चलते आ रहा है ना, कितना साल हो गया होगा स्टूल को? 20 ईयर्स तो ही गया होगा। हाँ हाँ 15 ईयर्स 15 ईयर्स हाँ 15 ईयर्स आराम से हो गया, जब 15 ईयर्स का स्टूल है गाइस ये, एंड ये वाला भी, दोनों स्टूल 15 ईयर्स से चल रहा है एंड अभी तक बस ऐसा हिल रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है इसके अंदर, चलो कोई नहीं बहुत सही स्टूल है, सारा साल तक साथ भी हमारा, और पता नहीं कितने सालों तक साथ देगा, चलो कोई नहीं चलेगा, अभी तो बहुत ही टाइम है इसको, लकड़ी है तो बिगड़ने में क्या बिगड़ती है इसके अंदर। दोपहर के 1 बज चुके हैं एंड अभी घर पे चलते हैं, भैया का टिफिन वगैरह लेके आना है, मेरे ख्याल से पापा जी तो घर पे ही रुकेंगे। चाबी लेते हैं भाई कहाँ पे, ये रही आ जा, चलो आ गई, हीरोंडा लेके चलते हैं घर पे। हीरोंडा चलाने में जो मजा है ना वो एक्टिवा में नहीं है यार, हीरोंडा बस अच्छी स्पीड में पकड़ती है एंड गियर डाल के जबरदस्त चला सकते हैं, आराम से स्पीड में जा सकते हैं, अपनी एक्टिवा तो मस्त एकदम स्लो ही चलती है, एक लिमिट पे ही चलानी पड़ती है उसको। तो घर जा ही रहे थे कि पापा जी रास्ते में रुक गए, पापा जी अंगूर ले रहे हैं, लेकिन अगर सच्ची नहीं बताओ ना तो मुझे तो अंगूर पसंद ही नहीं है यार, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ। पापा जी जो भी लेना था ले लिए, घर पे चलते हैं भाई, बहुत ही गर्मी लग रही है, एक्चुअली मैंने कभी टेस्ट नहीं किया अंगूर और मुझे पसंद भी नहीं है यार, वियर्ड सा लगता है मुझे। धूप में पार करने पड़ रही है, वापस आए जब तक खतरनाक वाली सीट गर्म रहेगी यार, संभल के जाना पड़ेगा जाए जब, चलो कहीं नहीं पहले घर पे चलते हैं एंड थोड़ा बहुत जो भी लंच करना है करते हैं, भाई भूख लगी है, सुबह बस थोड़ा सा पीस हूँ उत्तपा खाया था, बटर पिज्जा खाया था, चलो कोई नहीं अंगूर लो, मुझे तो पसंद नहीं है भाई, खावा अच्छा लाया पापा, नहीं लाया मैंने, नहीं लाया मस्त है, चलो मम्मी जी को मजा आ गया। क्या बनाया आज वैसे? चावल बनाया और साग बनाया और दोनों की चटनी बनाया और मैंने नहीं बनाया, दीदी ने बनाया सभी दीदी ने बनाया, बनाया आपने क्या किया? मैं तो काम करके बैठ चलो कोई नहीं, तो दीदी कहाँ पे गई? दीदी अभी तो इधर ही था, किधर गई कल? 101% अपने दोस्त के घर पे गए होंगे है ना? नहीं दीदी, देखा कहा था ना यहाँ पे नहीं है, मैं दिखाता हूँ दीदी कहाँ पे होगी, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे है दीदी, तो क्या कर रहे हो दीदी? कपड़े धो रहे हो, चलो कोई नहीं धो दो, अंगूर लेके आया आपके लिए, खाओ अंगूर और बन जाओ लंगूर तुम बनो लंगूर मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मैं लंगूर नहीं बनूंगा, ऐसा जरूर थोड़ी है कि अंगूर खाने वाला लंगूर ही होते है। हाँ अंगूर खाने वाला लंगूर ही होता है, मैं नहीं हूँ, चलो खा लो फिर अंगूर। एंड जो कि हमने बाहर रखे गए थे, ये जो बकरी का खाना खाया था हमने, जिसका नाम पसकुटो है, लेकिन यार बार बार हमारे मुँह से है ना इसका नाम डायट बकरी का खाने निकलता है, क्योंकि जो भी घास फूस जैसे दिखता है, जब बनेगा ना तब दिखाता हूँ मैं आपको कैसा दिखता है, ये आपको भी समझ में आ जाएगा, आप यही बोलोगे कि बकरी का खाना है। कैसे लगे आपको अंगूर? पापा ही नहीं लाए, मैंने नहीं लाया आज, इसलिए सही आए भाई, मैं लाता तो सारे ब्राउनिश ब्राउनिश कलर के आते, चलो कोई नहीं मम्मी थोड़ा बहुत सब्जी मुझे भी डाल दो, थोड़ा वाटर वाटर डालो मेरे को, पानी पानी दो, जोल जोल लिक्विड लिक्विड
सभी तरह की भाषा बोल दी है। चलो कोई नहीं, पहले तो अभी लंच करते हैं। एंड पापा जी भी लंच कर रहे हैं, मम्मी जी भी कर रहे हैं। दीदी तो फिलहाल बस फ्रूट ही खा रही है, बाकी कुछ खाने का प्लान नहीं है शायद दीदी का। दीदी तो 2 बजे लंच करेंगे कहते हैं। चलो कोई नहीं, हम तो करते हैं। फिर हमें दुकान पे जाना है ना, बैग टिफिन लेके जाना है ना भाई। चलो पहले तो लंच करते हैं। बाय डॉगी बाय। मम्मी पापा जी को कम से कम 4 से 5 बार तो भाई आराम से बोल ही देता हूँ कि कभी दुकान पे जाते हो भाई, नहीं तो कहीं पे जा रहे सामान लेने के लिए, या फिर बोलते घर से कहीं बाहर निकल रहे तो भाई पक्का बोल ही देता हूँ। एंड दुकान से कहीं बाहर निकल रहे तो पापा जी को भाई बोल देता हूँ। भाई बहुत बार बोलता हूँ मैं, ये एक अलग ही फीलिंग आती है भाई बोलने में यार। अच्छा लगता है यार कहीं जाते वक्त भाई बोलने में अच्छा लगता है। एंड भाई यहाँ पे मुझे एक गाय गायब दिख रही है। यहाँ पे एक गाय बैठी रहती सेम ये कलर की, पता नहीं वो गाय कहाँ पे है, दिख रही नहीं है। चलो पता नहीं कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट किए होंगे। पहले तो गायों को रोटी देते हैं एंड फिर चलते हैं। रोटी खाओगे भाई? कवर नहीं, खाली रोटी खानी है। 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट। सो गायों को रोटी वगैरह से दे दी एंड साथ में भैंसों को भी दे दी यार आज रोटी, क्योंकि ज़्यादा थी ना रोटी तो दोनों को दे दी। कोई नहीं अभी दुकान पे चलते हैं। दुकान पे तो आ गए हैं एंड भैया का टिफिन भी लेके आ गए। हो गया अब जाते क्या घर पे, लो जाके आओ। 2 बजने का आ गए, 1:41 करके आ जाओ लंच। आप शाम के अभी 4:30 बज चुके हैं तो पहले तो अभी घर पे चलते हैं। तो भैया ने यहाँ पे साफ सुथरा कर दी। गैस भी पहले दुकान पर बिल बुक ले रहा, भाई को नहीं आता बिल बुक। भाई यहाँ पे बिल बुक है ही नहीं, कस्टमर जो भी बिल पूछ रहे हैं नहीं यार कहाँ पे से दो, इसलिए भैया को बोल दिया पहले अंदर से जाके बिल बुक लेके आ जाएंगे, ताकि फिर मैं अगर ना रहूँ तो भैया को ज़्यादातर घूमना ना रहे। एंड जैसे भी आते हैं फिर हम भी चलते हैं घर पे। फिर पापा जी का कॉल आया था एंड उन्होंने कहा था आज तो कहीं पे बाहर नहीं जा रहा। एक्चुअली हमारा सुबह प्लान था कि बुआ से मिलने के लिए जाए, लेकिन अभी तो एकदम बारिश का मौसम हो चुका है, बिल्कुल एकदम डल हो चुका है मौसम, तो फिर कैंसिल करना पड़ा प्लान। कोई नहीं कभी और चले जाएंगे, वो वाली बुआ के पास नहीं जो परसों गए थे। इस दिन आज हमने सोचा दूसरे वाले बुआ के घर पर जाते हैं, जो कि छोटी बुआ समझो यार। चलो कोई नहीं अभी जैसे भी आते हैं फिर घर पर चलते हैं। तो मम्मी एंड पापा जी आएंगे अभी दुकान और हम बस घर पर रेस्ट करेंगे। आ चुके हैं एंड अभी हम चलते हैं अपनी हीरोंडा लेके घर पे। अभी घर पे तो पहुंच गए, लेकिन मम्मी पापा जी बहुत ही नाराज़ दिख रहे हैं मुझे, बाहर खड़े हैं। मम्मी पापा जी ने कभी का कॉल कर दिया था, लेकिन अभी जा रहा हूँ भाई। कस्टमर्स है, मेरी गलती कुछ नहीं थी। क्या हुआ? एक्चुअली कस्टमर्स आ गए थे इसलिए लेट हो गया। ये लो गाड़ी की चाबी। भाई मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। हाँ मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई एंड आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है। आप जा रहे हो दुकान? चलो ठीक है आप जाके आ जाओ अभी। क्या यार अभी घर पे बैठे रहूँगा, डॉगी के साथ खेलूँगा है ना, तो खेलेगा वो हो जाता है सेट से। बाय। चलो ये साथ खेलेंगे। क्या यार चाटने में लगाए, कभी भी देखे तो चाटने में लगता है ये तो। इसको पहले ब्रश कराना पड़ेगा, इसके मुंह से बहुत ही बदबू आती है ना डॉगी के मुंह से, कभी कभार बहुत ही बदबू आती है ना बहुत ही बदबू आती है यार, इसको ब्रश कराना पड़ेगा। सो अभी शाम के 7 बज चुके हैं एंड जस्ट अभी अभी उठाऊ। एक्चुअली मई बाबा जी जैसे चले गए एंड फिर मैं अंदर था कि बस सो ही गया था। सो भाई आधी नींद कम्प्लीट हुई है, इससे थोड़ा बहुत हेडेक होना स्टार्ट हो गया। चलो कोई नहीं एंड मई पापा जी तब तक आए नहीं है, क्योंकि अभी शाम के 7 बजने को आ गया। एक्चुअली मई पापा जी ने कहा था, मम्मी जी ने कहा था कि भाई 7 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए यार। मेरे ख्याल से 8 बजे तक आ ही जाएंगे, क्योंकि आज संडे है ना, तो जल्दी आ जाएंगे। रोज़ जो भी पापा जी 9 बजे आते हैं तो आज से 8 बजे आ ही जाएंगे। एंड जी ने खाना वगैरह बना दिया है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मई पापा जाएंगे एंड खा लेंगे, क्योंकि मेरा तो कुछ डिनर करने का प्लान है ही नहीं भाई। भूख बिल्कुल नहीं लगी है मुझे तो आज, बस दोपहर में 2 रोटी खाई थी एंड बस वही चल रहा है अब तक, कुछ भी नहीं खाया। एंड बस अभी ब्लॉग को भी एंड करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हेडेक हो रहा है ना, तो जल्दी सोने का प्लान है। एंड एडिटिंग वर्क करूँगा तो बस 9 तो आराम से बज ही जाएंगे एडिटिंग वर्क करते करते, क्योंकि 7 बजे ना तो 1.5 to 2 hours लग ही जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। जल्दी ही मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। तो दुकान पे पता नहीं भाई क्या हो गया, दुकान पे एक्चुअली कुछ केमिकल सा कुछ गिर गया, तो उसकी वजह से बहुत ही जल रहा है यहाँ पे नीचे। चलो कोई नहीं थोड़ी देर मस्त रेस्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा ये तो, लेकिन अभी भी जल रहा है। जैसे हाथ लगाते या फिर स्वेट गिरता है ना
सो कभी कभार तब जलता है, चलो कोई नहीं ये तो ठीक हो जाएगा। एंड अभी ईटिंग और सब कुछ कंप्लीट हो चुका है तो वह सभी सो ही जाएंगे।